ठीक है, आज हम नई कंसेप्ट सीखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन खुद से बनाएंगे। सो फॉर्मेशन ऑफ डीई डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक आपको सिंपल फंक्शन दिया होगा या फिर इक्वेशन दिया होगा, उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, उसके लिए एक मेथड है, उस मेथड का नाम है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिटरी कांस्टेंट। मतलब सिंपल कांस्टेंट को एलिमिनेट करना, रिमूव करना, कांस्टेंट को उड़ाना। ठीक है, इसको हम कांस्टेंट किलिंग मेथड भी कह सकते हैं, मतलब कांस्टेंट को गायब करना है। ओके, अब इसमें बताने लायक ज्यादा कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। अब एक्सरसाइज 8.2 से डायरेक्टली स्टार्ट करके उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिटरी कॉन्स्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला क्वेश्चन दिया उसमें y इज इक्वल टू ए रेस टू 3x प्लस बी रेस टू माइनस 3x, ये दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट कितने लोग है, कितने कॉन्स्टेंट है, दो। तो ये दो कॉन्स्टेंट को मुझे हटाना है, क्लियर। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये दो कांस्टेंट बताएंगे कि हमें क्या करना है। इसमें दो बार डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अगर एक कांस्टेंट होता तो मैं एक ही बार डेरिवेटिव निकालता, ये दिमाग में रखना। दो कांस्टेंट है मतलब दो बार डेरिवेटिव, एक कांस्टेंट है मतलब एक ही बार डेरिवेटिव, क्लियर। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दे, हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा डीवाई बाई डीएक्स, क्लियर। अब इसमें a तो कांस्टेंट में साइड ए रहेगा, e रेस टू डी एक्स, e रेस टू सॉरी 3x का e रेस टू 3x आएगा, बट एक्चुअल में ये e रेस टू x है क्या, इसके जगह 3x है, तो 3x का फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा, 3, ये समझ में आया होगा। सिमिलरली b कांस्टेंट है साइड में रहेगा और e रेस टू माइनस 3x का e रेस टू माइनस 3x, बट ये फिर से एक्चुअल में x नहीं है, इसका फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 3, ये समझ में आया सच में। ठीक है, अब ये माइनस इसको लगेगा तो ये 3 आगे लिखते थ्री ए रेस टू 3x, और ये माइनस 3 आगे लिखूंगा तो माइनस 3b ई रेस टू माइनस 3x, समझ में आया। ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव था dy बाई डी एक्स। ओके, मुझे और एक डेरिवेटिव निकालना है क्योंकि सेकेंड भी कॉन्स्टेंट बोल रहा है कि डेरिवेटिव निकाल, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो ये 3a कांस्टेंट है, मैंने साइड में रख दिया, 3a कांस्टेंट है साइड में रख दिया, e रेस टू 3x का डेरिवेटिव e रेस टू 3x, और ये x नहीं है इसके वजह से फिर से ये 3 सेम वे से आएगा। माइनस 3b कांस्टेंट है, 3b को मैंने साइड में रख दिया, e रेस टू माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेस टू माइनस 3x और साइड में, वेरी गुड, माइनस 3। ठीक है, अब ध्यान देना, ये 3 × 3 कितना आएगा, 6, 9, क्या कर रहे हो। ओके, माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाएगा, और ये 3 × 3, 9 ई रेस टू माइनस 3x, ये डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ओके चलो, क्या, हाँ बी बी रह गया मेरे से, बी ई रेस टू माइनस 3x। ठीक है, दोनों में 9 9 कॉमन है, कॉमन निकाल सकते हो, तो ये ऐसे दिखेगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, 9 मैंने कॉमन निकाला, तो ए रेस टू ए इंटू ई रेस टू 3x प्लस बी इंटू ई रेस टू माइनस 3x, ये लिखोगे। ओके, ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ सेम एग्जैक्टली दिख रहा है क्वेश्चन, देखो y और ये सेम है ना, तो इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, अभी बोलो क्या लिखूंगा, y, सो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, खत्म। अब इसमें कॉन्स्टेंट टर्म है नहीं ना, जो मैंने अभी लिखा है इसमें कुछ कॉन्स्टेंट दिख रहा है, 9 को छोड़ो, a भी ऐसे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मैंने एलिमिनेट कर दिया और ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन गया, समझ में आया। ओके क्लियर, एक दो क्वेश्चन लेके वो क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या कर रहा हूं मैं इसमें। पहले हाँ, सेकेंड क्वेश्चन, सी टू
सी वन डिवाइडेड बाई एक्स, इसमें कितने कांस्टेंट है, कितने, दो कांस्टेंट है, तो इसका दो बार डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाला तो ये कांस्टेंट मर जाएगा, खत्म, जीरो होगा ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, सिर्फ बचेगा कौन, ये, ओके। चलो सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स, सी टू का डेरिवेटिव जीरो, ये मर गया, ओके। सी वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो, एग्जैक्ट माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आता है ना, तो ये माइनस सी वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सी वन साइड में रख दो, वन अपॉन एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव निकालो, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इसको भी मारना है, पहले मैं लिखता हूं डी वाई बाई डी एक्स माइनस सी वन अपॉन एक्स स्क्वायर, मेरे पास और एक चांस है, मतलब यहां पे बोला था कि दो बार डेरिवेटिव निकाला है, उसमें से एक डेरिवेटिव निकाल के मैंने इसको खत्म कर दिया, अब मुझे इसको भी मारना है। अगर मैं अब भी डेरिवेटिव निकालता हूं तो ये मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, सोचो, नहीं होगा, क्योंकि इसको बचाने वाला नीचे है एक्स स्क्वायर, पर ना इसके साइड में वेरिएबल है, ओके, तो इसके वजह से ये जीरो नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर के वजह से ये जीरो नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, ये इसको बचा रहा है ना, तो इसको ही मैं तोड़ देता हूं, ये डायरेक्ट उस तरफ शिफ्ट कर देता हूं, तो सिंपल ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी वन, ऐसे ठीक है। अब ये अकेला है, अब मैं डेरिवेटिव निकालता हूं, ये खत्म, ओके। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब यहां पे यू इंटू भी अप्लाई करोगे, आराम से अप्लाई करेगा करना, ये यू इंटू वी, पहले यू इंटू डेरिविटीज ऑफ वी, इसका डेरिविटीज क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये समझ में आया, प्लस वी, वी क्या है, डी वाई वाई डी एक्स इंटू डेरिविटीज ऑफ यू, यू का डेरिविटीज आएगा टू एक्स, ओके। और ये सी वन खत्म, जीरो, ओके। तो अच्छे से लिखो, ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x into dy by dx is equal to 0. मैंने कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, लिखो। अब इसमें कितने कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है, तो दो बार डेरिवेटिव निकालना है, पर ध्यान देना, अगर मैं कितने भी बार इसका डेरिवेटिव निकालू ये जीरो नहीं होंगे, क्यों नहीं, इसके साइड में e raise to x खड़ा है, ओके। समझो आपने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाला, आप u इंटू वी अप्लाई करोगे, ओके, u इंटू वी अप्लाई करके जो कुछ भी सॉल्व करोगे फिर भी e रेस टू x रहेगा वैसे का वैसा, इन दोनों को बचाने के लिए, क्योंकि e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेस टू x। तो मैं क्या करता हूं, इसके वजह से ये दोनों बच रहे हैं ना, तो e रेस टू x को सीधा उस तरफ भेज देता हूं, बाद में डेरिवेटिव निकालता हूं, तो ये y अपॉन e रेस टू x इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स, ये समझा। अब मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो इन दोनों में से एक मरेगा, कौन, c1। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पे u अपॉन v, u अपॉन v अप्लाई होगा, तो u अपॉन v क्या कहता है, पहले v लिख दो, बाद में u का डेरिवेटिव, दैट इज dy बाय dx, देन माइनस, अब u लिख दो और v का डेरिवेटिव, दैट इज e रेस टू x, ठीक है, अपॉन e raise to x का स्क्वायर v स्क्वायर, समझा। नेक्स्ट c1 मर गया जीरो, और ये c2 into x का डेरिवेटिव तो वन होता है, ठीक है, हाँ, इसको जरा सिंप्लीफाई करो, इसमें से e raise to x कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे बचेगा dy by dx minus y, और नीचे कौन है, e raise to x का स्क्वायर, और इस तरफ सिंपल c2 बचा, c2, ओके, ये e raise to x और इसका स्क्वायर गया, ओके। अब मैं डेरिवेटिव निकालता हूं, अगर मैंने अब डेरिवेटिव निकाला तो ये भी गायब हो जाएगा, ओके, ये भी अकेला है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, वो करना पड़ेगा हमें सॉल्व। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको u एज्यूम करो, इसको v एज्यूम करो, ये e raise to x है ना, इसको v एज्यूम करो, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं बाद में सॉल्व करके इसको, dy by dx minus y upon e raise to x is equal to c2, ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर, पहले क्या करते हो, v को लिखते हो, चलो लिख दिया,
ओके इसका डेरिवेटिव निकाल दो। तो आराम से सोचना इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर और y का डी वाई अपॉन डी एक्स। वेरी गुड, देखना मैंने क्या किया, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u किया, बाद में माइनस u मतलब ये माइनस वाई u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v e रेस्ट टू x और नीचे e रेस्ट टू x का स्क्वायर और c2 का जीरो। ये डायरेक्ट किया मैंने, समझ में आया। इसमें से e रेस्ट टू x कॉमन बाहर आएगा, चलो e रेस्ट टू x मैंने बाहर फेंक दिया। यहाँ पे बच गया क्या, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ओके ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ये माइनस अंदर माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस माइनस प्लस वाई, ई रेस टू एक्स तो बाहर है कॉमन गया, नीचे ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से ये और ये गया इज इक्वल टू ये जीरो। समझ में आया, ये इस तरफ आएगा जीरो बन गया, तो सिंपल इतना पार्ट बचा है। ठीक है, देखो डी स्क्वायर वाई टी एक्स स्क्वायर इसका क्या करूँ, कैंसल, साइन सेम है तो कैंसल नहीं होगा, माइनस टू होगा, सेम है ना, माइनस 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 टू डी वाई वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, खत्म। समझ में आया, ये समझ में आया, माइनस वन माइनस वन माइनस टू। ठीक है, और लिखो। ओके क्वेश्चन फोर, अब एक्चुअली ना थोड़ा दिखने में ये क्वेश्चन वन जैसा लग रहा है, क्वेश्चन वन ऐसा कुछ था ना, ए इंटू ई रेस टू थ्री एक्स प्लस बी इंटू ई रेस टू माइनस थ्री एक्स। ठीक है, थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ मैं, क्यू सॉरी ई यहाँ पे ई रेस टू माइनस थ्री एक्स। हाँ, अब मैं ना इसको इस वैसा नहीं सॉल्व कर सका, क्यों, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 3x 3x सेम था, इसमें वो नहीं है। देखो पहले डेरिवेटिव में यहाँ पे 3 आया था, यहाँ पे भी 3 आया, दूसरे डेरिवेटिव में यहाँ पे 9 आया था और यहाँ पे भी 9 आया था, बाद में 9 मैंने कॉमन निकाला था। इसमें क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, बाद में 3 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, पर यहाँ पे 2 फिर से 2 मतलब यहाँ पे 4 आएगा, कॉमन क्या निकालोगे, समझ में आ रहा है कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो मैं इसको इस वे से नहीं सॉल्व कर सकता, क्लियर, तो मैं सेम एक एक को जीरो करके ही सॉल्व करूंगा। क्लियर, तो एक एक को टारगेट करूं, मैं सी वन को भी जीरो नहीं कर सकता हूं, सी टू को भी डायरेक्टली जीरो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो यहां पे ये इसको बचाएगा और ये टर्म इसको बचाएगा। क्लियर, तो एक को किसी को तो तोड़ना पड़ेगा, किसको तोड़ोगे, मैं ई रेस टू टू एक्स को साइड में करता हूं, कैसे, मैं यहां पे लिखता हूं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ई रेस टू टू एक्स, दोनों तरफ ई रेस टू टू एक्स से डिवाइड किया, तो इसको डिवाइड करने के बाद y अपॉन ई रेस टू टू एक्स हो जाएगा, ये समझ में आया। और यहाँ पे c1 वन ई रेस टू थ्री एक्स अपॉन ई रेस टू टू एक्स बन गया। ओके, और यहाँ पे c2 टू ई रेस टू टू एक्स अपॉन ई रेस टू टू एक्स, ये डायरेक्ट कॉमन भी निकाल सकते हो अगर आपको वो टेक्निक आती है तो, डायरेक्टली यहाँ पे ई रेस टू टू एक्स गया तो ई रेस टू एक्स यहाँ पे वन बचेगा। अब ध्यान देना, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होता है, पता है ना ये प्रॉपर्टी, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन, ये ए रेस टू एम माइनस एन। ओके, तो ए रेस टू एम माइनस एन करोगे तो यहाँ पे सी वन ई रेस टू एक्स बचेगा, थ्री एक्स माइनस टू एक्स, ये तो सीधा सीधा कैंसल, तो यहाँ पे सिंपल सी टू बचेगा और ये वाई अपॉन ई रेस टू टू एक्स। ठीक है, अगर मैं अभी डेरिवेटिव निकालता हूं तो ये खत्म, समझ में आया, इसके लिए मैंने ये पूरा प्लान किया इसको खत्म करने के लिए। ओके, सो डेरिवेटिव निकालूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये यू अपॉन वी, पहले वी लिखोगे दैट इज ई रेस टू टू एक्स, बाद में डेरिवेटिव ऑफ यू क्या लिखू बोलो, डी वाई अपॉन डी एक्स, वेरी गुड, बाद में साइन क्या आएगा, माइनस, ओके अब क्या लिखू, वाई, वेरी गुड, और ई रेस टू टू एक्स का ई रेस टू टू एक्स, डिनोमिनेटर में वी का स्क्वायर टू टू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन एज इट इज कॉन्स्टेंट है और ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही आता है, क्लियर, और सी टू का जीरो, ये खत्म। ओके, इसमें से ई रेस टू टू एक्स कॉमन, सेम
इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसा ही है। सो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई और यहाँ पे ई रेस टू टू एक्स द होल स्क्वायर, क्या कैंसल होगा, ये और ये गया, ओके। इस तरफ सी वन ई रेस टू एक्स बचा। ओके अब क्या करोगे, मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ सिर्फ माइनस वाई ई रेस टू टू एक्स और सी वन ई रेस टू एक्स। अब देखो मैंने मेरा है ना पहला चांस यूज कर दिया, ये दो चांस है मुझे, दो चांस मतलब दो बार डेरिवेटिव्स निकालते हैं, उसमें से एक तो डेरिवेटिव्स मैंने निकाल दिया, क्लियर, और एक बार डेरिवेटिव्स मैं निकाल सकता, और अगर मैं अभी डेरिवेटिव्स निकालता हूँ ये मर जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, हो सकता है अभी, इसको कौन बचा रहा है, ई रेस टू एक्स, तो इसको हटाना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई है सीधा इसको जाके, सॉरी ये यहाँ पे है ना, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो सोचो ई रेस टू टू एक्स और ये एक्स एडिशन होगा, ये फिर से मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ए रेस टू एम प्लस एन, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन वॉट, बोलो ई रेस टू कितना, वेरी गुड 3x, और यहाँ पे सी वन, समझा, सच में क्लियर। हाँ अब डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू अपॉन वी, इसमें पहले v लिखोगे e रेस टू 3x, बाद में डेरिवेटिव ऑफ u, आराम से सोचना इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर और y का डी वाई बाई डी एक्स, ओके। ये बन गया v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, अब माइनस लिख के u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव, तो e रेस टू 3x का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेस टू 3x और आगे 3, 3 समझा कहाँ से आया, ये x में ही है ना, फिर से डेरिवेटिव, और c1 का 0, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और आपको भी ऐसे ही करना है, सब ऐसे मेंशन करते जाओगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये, क्लियर। अब इसमें से e रेस टू 3x तो कॉमन, अरे नीचे कौन बचा, ये वाला टर्म भूल गया ना, e रेस टू 3x द होल स्क्वायर, इसमें से e रेस टू 3x तो कॉमन, ओके। ये डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ये डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, ये 3 भी है ये ध्यान देना, नहीं तो ऐसे करो पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट में ही रख दो इसको, माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 डी वाई बाई डी एक्स, एक गड़बड़ कर दी मैंने शायद, हाँ एक गड़बड़ कर दी, इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, ठेको ठेको मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पे u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v निकाला और v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ओके सॉरी v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u निकाला और u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v निकाला, तो e रेस टू 2x का डेरिवेटिव और साइड में 2 आता है, समझा, तो यहाँ पे ये 2y बन गया, ओके। तो ये भी 2y, ये भी 2y, अब ध्यान देना ये dy बाई डी एक्स एज इट इज है और इसका डेरिवेटिव आएगा 2 dy बाई डी एक्स, ओके। बाद में ये 2y है, क्लियर, ओके। अब ये 3 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 टू जा 6y, समझ में आया, सबसे बड़ी गलती कर दी, ठीक है मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद आपको ऊपर से गया होगा, मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पे v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u किया माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, जब मैंने किया तो सिंपल मैंने e रेस टू 2x ही लिख दिया, इसको मैं भूल गया कि 2x का डेरिवेटिव आगे फिर से 2 लिखना है, ओके। चलो अब ये क्या बन गया 2y, e रेस टू 2x तो कॉमन है, ओके। मैंने सिर्फ सॉल्व किया, ये सिंप्लीफाई करते करते यहां तक आ गया, अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालने वाला, तो v डेरिवेटिव ऑफ u इसका आएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y का dy बाई डी एक्स माइनस, अब मैं u को एज इट इज लिख रहा हूं और इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं e रेस टू 3x और ये 3, ओके। 3 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 dy बाई डी एक्स और 3 टू जा 6y, अब ब्रैकेट ओपन करो आराम से, ये तो कैंसिल हो गया, ओके। अब ब्रैकेट ओपन करो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाय, यहाँ पे भी 2 आएगा ना, ओके। माइनस
टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स और ये माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, और नीचे ई रेज टू थ्री एक्स कहाँ पे, हाँ ये प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस ये प्लस। हाँ नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, ये इसको जीरो और ये इन दोनों का एडिशन, माइनस टू माइनस थ्री कितना आएगा, माइनस फाइव डी वाई बाई डी एक्स, ये कर लोगे, करो। नहीं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डी वाई बाई डी एक्स और ये प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है लिख दो। ऐसी गलती मत करना मेरी जैसी एग्जाम में, मैंने जैसे किया। ओके किती क्वेश्चन नंबर फाइव ना, लास्ट लास्ट म्हणजे वन मध्ये लास्ट। अब सोचो इसमें कितने बार डेरिवेटिव्स निकालना है वो पहले सोचो। एक बार अगर समझो आपने एक बार डेरिवेटिव्स निकाला, ये कांस्टेंट गायब हो सकता है, सोचो ये एक्स रेस टू एन लगेगा ना, थ्री नीचे आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, थ्री नीचे एक्स प्लस सी और ये स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आता है, तो ये गायब हुआ किसके वजह से, बच रहा है पावर के वजह से, एक्स के वजह से नहीं, ये पावर के वजह से बच रहा है। ओके अगर समझो ये पावर नहीं होती तो एक्स का डेरिवेटिव वन होता और सी का डेरिवेटिव, समझ में आ रहा है, तो ये मुझे पावर हटानी है, तो यहाँ पे क्यूब है तो मैं पावर हटाने के लिए क्या करूंगा, टेकिंग व्हाट क्यूब रूट, समझा, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ, ठीक है। अब मैं वाई का स्क्वायर है उसका क्यूब लूंगा तो ये पावर में वन बाय थ्री लगेगा, क्यूब रूट मतलब पावर में वन बाय थ्री, पता है ना। हाँ इसका क्यूब रूट लिया तो एक्स प्लस सी बचेगा सिंपल, क्योंकि थ्री और ये वन बाय थ्री कैंसिल, समझा। चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई रेस टू टू अपॉन थ्री, टू से वन मल्टीप्लाई होगा और ये एक्स प्लस सी। अब मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ आराम से, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई रेस टू टू बाई थ्री इसका डेरिवेटिव बोलो, एक्स रेस टू एन के हिसाब से टू बाई थ्री नीचे, बाद में वाई टू बाई थ्री माइनस वन, ये समझा, बढ़िया। एक्चुअल में एक्स है नहीं है तो आगे डी वाई बाय डी एक्स, ये खत्म हुआ, एक्स का डेरिवेटिव और सी का जीरो, जिसके लिए प्लान किया था वो खत्म हुआ, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो, बस सिंप्लीफाई कर रहा है, टू बाई थ्री वाई रेस टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थ्री वन जो थ्री, आगे टू माइनस थ्री करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है ना, टू माइनस थ्री कितना आएगा, माइनस वन बाई थ्री और ये डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे वन बचा, ठीक है। ये निगेटिव पावर है, इसको मैं पॉजिटिव पावर बताता हूँ कैसे बनाओगे, डी वाई बाई डी एक्स उसके नीचे वाई रेस टू वन बाई थ्री, ये समझा पॉजिटिव कैसे हुआ, इसको मैंने नीचे खींच लिया, ठीक है। अब पावर में वन बाय थ्री तो अब भी देखा था, पावर में वन बाय थ्री मतलब क्या होता है, क्यूब रूट, बराबर। तो मैं टू बाई थ्री डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ वाई लिखता हूँ इज इक्वल टू जीरो, नहीं है वन। ओके ये इस तरफ मल्टीप्लाई करो, बस आंसर खत्म कर दो, डी वाई बाई डी एक्स ये टू अपॉन थ्री और क्यूब रूट ऑफ वाई, ऐसे भी चलेगा, और भी सिंप्लीफाई करना है तो थ्री ऊपर टू नीचे ऐसे कर सकते हो, तो थ्री अपॉन टू क्यूब रूट ऑफ वाई ये भी चलेगा, और यहां तक पहुंच गए तो भी बड़ी बात है। ओके करो ठीक है। अब क्वेश्चन टू, क्वेश्चन वन खत्म हुआ, क्वेश्चन टू इसमें दिया है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिटरी कांस्टेंट फ्रॉम द रिलेशन। एक्चुअली वन में मिक्स कर दे सेम ही होता, सेम उसके जैसे है। इसमें इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स, कितने कांस्टेंट है, एक ही कांस्टेंट है ना, ए दिख रहा है मुझे ए, ठीक है ये एक कांस्टेंट है, इसको तो डेरिवेटिव कितना निकालना पड़ेगा, कितने टाइम्स डेरिवेटिव निकालोगे, एक टाइम। अगर समझो आपने अभी डेरिवेटिव निकाला, ये जीरो होगा या नहीं बताओ, नहीं होगा ना, कौन बचा रहा है, एक्स, तो इसको साइड में कर दो, ठीक है।
मैं क्या करता हूँ, एक्स सीधा यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, या फिर ऐसे बोलूंगा डिवाइडिंग एक्स बाय बोथ द साइड, सॉरी डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय एक्स, उल्टा बोल रहा हूँ, ये समझ में आया? ओके, तो एक्स सीधा जाके इसके चरणों में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, और यहाँ पे वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, ये समझ में आ रहा है? और यहाँ पे बचेगा क्या, टू ए। अब डेरिवेटिव निकालोगे तो ये सीधा गायब, जीरो। ओके, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे एक्स बचेगा, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू ए। ओके, डेरिवेटिव निकालो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव वन, और ये यू अपॉन वी, यू अपॉन वी लगेगा ना, तो पहले मैंने वी लिख दिया, और यू का डेरिवेटिव दैट इज टू वाई, आगे आएगा डी वाई बाई डी एक्स, समझा? इसका 2y, बट ये y का फिर से dy by dx, बाद में माइनस, मैंने v into u किया, v into derivatives of u किया, अब u into derivatives of v करना है, x का 1, और नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे x square आएगा, और ये 2a का 0, समझ में आ रहा है आराम से? ठीक है, नेक्स्ट क्या करो, ये प्लस 1 है यहाँ पे, ऐसे लिखो, ये प्लस 1 यहाँ पे है, ठीक है, प्लस वन है, इस तरफ भेज दो, माइनस वन कर दो, ठीक है? तो ये देखो एक्स टू वाई को मैं लिख सकता हूं टू एक्स वाई आराम से, ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये वाई स्क्वायर, ओके, अपॉन एक्स स्क्वायर, और वो प्लस वन है इस तरफ आके माइनस वन, ये क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको इस तरफ भेजना था, ओके, इसके वजह से मैंने वन को इस तरफ लेके रखा, ये इस तरफ माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दो ऑप्शन है, इसको इस तरफ लेके आओ या फिर इसको इस तरफ लेके आओ, कुछ भी करो आंसर सेम होगा, तो मैं इसको इस तरफ लेके आता हूं, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एकदम इजी था ये, समझ में आया? खत्म। आपको अगर सिंप्लीफाई करना है तो एक्स स्क्वायर को आगे लिख दो, बाद में वाई स्क्वायर लिख दो, बाद में इसके बाद ये लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो, पर जाने दो ना, इतना आ गया, इनफ है, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ओके, कितने कांस्टेंट है, दो, बी ए, और यहाँ पे ए भी है वो सेम ही है, दो कांस्टेंट है, दो बार डेरिवेटिव निकालोगे, समझो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालते हो तो एक भी कांस्टेंट गायब नहीं होगा, सिर्फ ये गायब होगा। ओके, बट समझो आपने कुछ तो जुगाड़ कर लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रहा हूँ कि समझो आपको बी को गायब करना है, उसके साथ कौन है, एक्स है। ओके, तो एक्स गायब कर, एक्स यहां से हटाने के लिए मैं दोनों तरफ एक्स से डिवाइड करूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ ऐसा, अगर x से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये b बन जाएगा, और यहाँ पे a y अपॉन x बन गया, और ये a b अपॉन x ना, तो इसको गायब करने के चक्कर में इसको बचाने, इसको बचा रहे हो, ठीक है, ध्यान से जा, मैं फिर से बताता हूँ, इसको आप गायब कर रहे हो अभी, इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, बट जो ये पहले जो ये जीरो हो रहा था वो अभी बच रहा है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे भी करोगे ना तो y यहाँ पे आएगा, a जीरो बन गया, ये बच जाएगा, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक डेरिवेटिव करके देखता हूँ क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, b बचेगा x का वन, और यहाँ पे a बच, a एज इट रहेगा, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और ए बी का जीरो क्योंकि कॉन्स्टेंट है, ठीक है? अब अगर डेरिवेटिव निकालते हो, मुझे अभी दो डेरिवेटिव निकालने, ओके, इसमें से एक मैंने निकाल दिया और एक डेरिवेटिव निकालना है, अब बी में डेरिवेटिव निकालता हूं तो बी जीरो बन गया, ए तो रह रहा है ना, ओके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस ए, इस तरह आके माइनस बी, ओके, ये समझ में आया? ए मल्टीप्लाई इस तरफ जाके डिवाइड करेगा, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आप डेरिवेटिव निकालो, सेकेंड डेरिवेटिव, हमारा सेकेंड चांस, ओके, इसका डेरिवेटिव क्या बन गया, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे समझ में आया, ठीक है? हाँ, थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर, ये ना एक्चुअली क्वेश्चन नंबर टू जैसा है, एग्जैक्टली कॉपी है उसका, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 35 ए एक्स।
एक ही है ना कांस्टेंट ए, तो इसको बचा रहा है कौन, कौन बचाने वाला है इसका, एक्स। तो एक्स को सीधा उस तरफ भेज दो। अगर ये एक्स क्यूब अपॉन एक्स बन गया तो ये वाई क्यूब अपॉन एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे 35 ए, ये और ये कैंसिल मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन एक्स और ये 35 ए, ओके। आप डेरिवेटिव निकालो, ये जीरो बन जाएगा। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x। हाँ, ये यू अपॉन वी, तो पहले वी डेरिवेटिव ऑफ यू, ये बन गया 3y का स्क्वायर और आगे dy बाई dx, इसको नहीं भूलना है, ओके। नहीं तो सिंपल लिखोगे 3y स्क्वायर और भूल गए, ओके। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वी डेरिवेटिव ऑफ यू, अब माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी, कितना आएगा x का 1, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और इस तरफ 0, ओके। पहले जैसा ही है, ये 2x को अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे। 2x को उठाओ, इस तरफ लेके आओ माइनस 2x, तो ये x, हाँ ये अच्छे से लिखो ना, 3xy² dy/dx माइनस वाई क्यूब, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वो 2x, इस तरफ मतलब माइनस 2x, ये मैंने क्यों किया, मुझे इसको इस तरफ लेके जाना है, ओके। तो 3xy² dy/dx माइनस वाई क्यूब, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x का क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर ना, x का क्यूब। अब इसको इस तरफ लेके आओ, एक्स वाई क्यूब dy/dx माइनस वाई क्यूब, उस तरफ गया तो प्लस इज इक्वल टू 0, खत्म। समझा, लिखो। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये इजी है, सबसे इजी है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट कितने हैं, देखो एक है। एक बार डेरिवेटिव निकालोगे तो, अगर समझो अब भी डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो 0 बन जाएगा वो, सोचो कांस्टेंट कहाँ पे, ये नहीं होगा क्यों, इसके साथ एक्स है क्या, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, सीधा 0। हाँ, अब आप सोच रहे हो पावर के हिसाब से, पहले ऐसे था ना वो एक्स प्लस सी वन द होल सी द होल क्यूब था, ठीक है। तब मैंने बोला था कि हाँ बाबा पावर गायब कर दो तब ये 0 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ एक्स भी है, पावर के अंदर एक्स है। अगर ये सिंपल सी क्यूब होता ना तो मैं क्यूब रूट नहीं निकालता, डायरेक्ट इसको 0 बोलता। समझ में आ रहा है, नहीं समझा, इसमें और इसमें डिफरेंस है ना, ओके। इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 0 आएगा, बट इसका 0 नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ अंदर कौन है, एक्स है, इसके वजह से ये बच रहा था, एक्चुअली पावर के वजह से बच रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये पावर के वजह से नहीं बच रहा है, अभी डायरेक्ट 0 होगा। तो डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका बोलो क्या आएगा 2x, इसका क्या आएगा 2 4 8y, और ये dy/dx, ये सीधा 0। समझ में आया, ओके। इसमें से 2 कॉमन निकालो तो बचेगा क्या, एक्स प्लस 4y dy/dx, और यहाँ पे 0, 2 इसको आके डिवाइड करेगा तो इतना ही बच रहा है, एक्स प्लस 4y आगे इज इक्वल टू 0, खत्म। 0 ना, डिवाइड हो गया।